सुशांत सिंह राजपूत केस में बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। वहीं सुशांत के घर वालों ने रिया चक्रवर्ती पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने सहित कई गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि उन्हें लगता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने 26 पॉइंट्स भी दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, साथ में कैप्शन दिया है, मुझे क्यों लगता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है, इसमें उन्होंने 26 पॉइंट्स लिखे हैं। ये पॉइंट्स सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस भी उठा चुके हैं, जैसे फांसी के निशान की पोजीशन, कमरे में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का पाया जाना, आंखों का बाहर ना निकलना, मुंह से झाग का ना निकलना, जीभ का बाहर ना निकलना वगैरह। वहीं दूसरे ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है, मूवी माफिया ने एक महिला को ठिकाने लगाने का फैसला ले लिया ताकि एक मर्डर केस 15 करोड़ के झगड़े का केस बन जाए। मुंबई मूवी माफिया से ध्यान हटाने के लिए महिला को कुर्बान करना आसान है। वहीं आपको दूसरी ओर ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही उनके फैंस लगातार इस मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुशांत की आत्महत्या की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा था कि सुशांत मामले में सीबीआई जांच के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी के लिए एक वकील को नियुक्त किया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा था कि सुशांत मामले में सीबीआई जांच के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी के लिए एक वकील को नियुक्त किया गया है। वहीं उन्होंने इस मामले पर बॉलीवुड के तीनों खान यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की खामोशी पर भी सवाल उठाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर पर लिखा था, बॉलीवुड के तीनों ताकतवर सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या पर खामोश क्यों हैं? सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर सुशांत के फैंस भी काफी मुखर होकर लिख रहे हैं। इसके बाद एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था, भारत के तीनों खानों द्वारा खास तौर पर दुबई में बनाई गई प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। उन्हें वहां किसने बंगले और प्रॉपर्टी गिफ्ट किए हैं और उन्होंने कैसे इन्हें खरीदा, इस गुटबंदी की जांच प्रवर्तन निदेशालय की SIT, आयकर विभाग और CBI से कराई जानी चाहिए। क्या ये लोग कानून से ऊपर हैं? इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर वकील ईश्करण सिंह भंडारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी एक लंबा वीडियो भी शेयर किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, फिलहाल ईश्करण ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इस मामले में आर्टिकल 21 के साथ साथ IPC के सेक्शन 306 या 308 लागू होते हैं, या तो पुलिस के वर्जन को स्वीकार कर लिया जाए जिसके मुताबिक ये एक आत्महत्या थी, या फिर एक्टर को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। आपको बताते चले कि सुशांत सिंह राजपूत ने बीती 14 जून को मुंबई स्थित घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मुंबई पुलिस एक्टर की मौत के मामले की जांच कर रही थी और अब इस केस में बिहार पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।